दोस्तों, कैंडी या टॉफ़ी आपने बचपन में बहुत खाए होंगे। ये हमारे बचपन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जब हम कैंडी खाया करते थे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैंडी या टॉफ़ी बनती कैसे है, उसके सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स और पैकिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि हमेशा मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, प्रोसेस कुछ इस तरह शुरू होता है कि कैंडी के सॉल्यूशन को कंटेनर में डाला जाता है और उसको हाई टेम्परेचर में बॉईल किया जाता है, जैसे हम हमारे घर में चाशनी बनाते हैं वैसे। दोस्तों, कैंडी के सॉल्यूशन को 15 से 20 मिनट तक बॉईल किया जाता है और फिर जब बाहर निकलता है तो वो एक जेली की तरह निकलता है और कंटेनर को वॉश किया जाता है। जेली को बाहर निकालने के बाद कुछ देर यानी 10 से 15 मिनट तक कूलिंग के लिए रखा जाता है। कूलिंग के बाद उस जेली को रोलर में डाला जाता है। रोलर में जाकर जेली एक लंबी इलास्टिक टेल की तरह बाहर निकलती है, कुछ इस तरह। दोस्तों, ये इलास्टिक टेल इस तरह निकलती है कि कैंडी की कटिंग एक्यूरेट साइज में हो सके। फिर ये लंबी इलास्टिक टेल को कटिंग मशीन में डाला जाता है ताकि कैंडी को एक प्रॉपर कटिंग और प्रॉपर शेप मिल सके। फिर ये इलास्टिक टेल कटिंग मशीन में जाके कैंडी शेप में कट होती है और मशीन कन्वेयर बेल्ट पे कैंडी रिलीज होती है। ये कन्वेयर कैंडी को कूल कर देता है, इसीलिए इसका स्पीड एकदम स्लो होता है और कन्वेयर का लेंथ लंबा होता है। फिर ये कैंडी को मेटल डिटेक्टर से पास किया जाता है ताकि कोई मेटल कंटामिनेशन या इम्प्योरिटी को रिजेक्ट कर सके। ये सारी कैंडी एक ट्रे में भरी जाती है और इसे डीमॉइस्चर किया जाता है। डीमॉइस्चराइजेशन के बाद इसे पैकिंग के लिए ले जाया जाता है। फिर एक राउंड रोटेटिंग डिस्क कन्वेयर से ये कैंडीज लीनियरली बाहर निकलती है और कैंडीज रैपिंग मशीन में जाती है और फाइनली पैकिंग कंप्लीट हो जाती है।